हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? होप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो गाइज, मैं पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि मैं एक कार की बुकिंग कर चुका हूं। तो गाइज, आज मैं आपको ये बताने आया हूं कि वो कार कौन सी है, मैंने उस कार को कब बुक किया, उसकी डिलीवरी डेट क्या है और उसकी कुछ डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, कार का ओवरव्यू। तो गाइज, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। सो गाइज, सबसे पहले तो ये सोच रहे होंगे कि आखिरी वो कार है कौन सी। तो गाइज, मैं आपको बता दूं, ये कार वो है जिसकी फर्स्ट 25,000 बुकिंग सिर्फ 57 मिनट में हो गई थी और फिर उसको बुकिंग विंडो क्लोज कर दिया था, फिर नेक्स्ट डे फिर से ओपन किया तो 2-3 घंटों में फिर से 25,000 बुकिंग हो गई थी। और ये सब हुआ था लास्ट ईयर अक्टूबर में, 7 अक्टूबर को उसकी बुकिंग स्टार्ट हुई थी और अगले 2 हफ्तों में उसकी अप्रोक्सीमेटली 65,000 बुकिंग हो गई थी। तो इतना सारा क्रेज था उस कार के लिए मार्केट में। सो गाइज, इतनी सारी हिंट्स के बाद आपको पता चल गया होगा कि वो कार कौन सी है। अगर नहीं चला तो मैं बता देता हूँ गाइज, वो कार है XUV700O। जी हाँ, महिंद्रा की XUV700O जिस दिन मार्केट में लॉन्च हुई उसी दिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक भूचाल सा आ गया था। मतलब लोगों में इतना क्रेज था ना, फर्स्ट 57 मिनट में ही 25,000 बुकिंग हो गई थी और इसकी वेबसाइट भी क्रेश हो गई थी। मैं अभी ऑनलाइन बुक कर रहा था तो फर्स्ट दिन मैं इसकी बुकिंग कर नहीं पाया था, फिर मैं नेक्स्ट डे बुकिंग किया था। गाइज, हम लोगों में इस कार के लिए इतना क्रेज था ना, हम लोग बिना टेस्ट ड्राइव लिए, बिना महिंद्रा के शोरूम गए, इसका लॉन्च होने 7 अक्टूबर से 1-2 दिन पहले यूट्यूब पे वीडियोज देकर इसके बारे में अच्छा सा रिसर्च किया और डिसाइड किया कि हमें XUV700O ही लेनी है और उसका AX5 वेरिएंट लेना है और डीजल में एवरेस्ट वाइट कलर ग्रामीण क्षेत्र में बिंदास दिखेगा और इसका जो स्काई रूफ है ना वो सबको पसंद था। तो यही सोच के हम लोगों ने डिसाइड किया कि AX5 ही लेते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसका लुक दिखाता हूँ, फिर आपको मैं इसकी बुकिंग डिटेल्स और जो महिंद्रा वालों ने टेंटेटिव डिलीवरी डेट मुझे दिया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो गाइज, बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए इसका लुक थोड़ा देख ही लेते। सो गाइज, ये थी XUV700O AX5 7 सीटर डीजल वेरिएंट और कितना कितना बिंदास और फाड़ लुक था ना, होप आपको पसंद आया होगा। अब मैं आपको इसकी बुकिंग डिटेल्स दिखाता हूँ और इसके बाद मैं आपको डिलीवरी डेट और कुछ और फीचर जो है इसके उसका भी एक छोटा सा पार्ट आपको दिखाऊंगा। बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो अभी ना मैं आपको बुकिंग की डिटेल्स दिखा देता हूँ। सो स्क्रीन शेयर कर रही मैंने और देखो ये मेरी बुकिंग की डिटेल्स है। बुकिंग कब क्या था, एक्चुअली हुआ यू ना कि 7th को इसकी बुकिंग स्टार्ट हुई थी तो 7th को अर्ली मॉर्निंग 10 बजे इसकी ये वेबसाइट ओपन हुई थी बुकिंग के लिए। तो जैसे बुकिंग स्टार्ट हुआ मैं 1-1.5 घंटे तक ट्राई किया बट उस दिन बुकिंग हुआ नहीं क्योंकि सर्वर क्रेश हो गया, बहुत ज़्यादा क्राउड एक साथ इसको बुक करने के लिए आया था तो उस दिन मैं बुकिंग कर नहीं पाया। बट नेक्स्ट डे फिर से इन्होंने विंडो ओपन किया तो 8 को मैं इसकी बुकिंग किया था और मेरी ये बुकिंग फर्स्ट 50,000 बुकिंग में है। सो ये मेरी बुकिंग डिटेल है। बुकिंग अमाउंट 21,000 था जो कि ऑनलाइन पे हुआ था। तो एक्चुअली ना जो
महिंद्रा का शोरूम है या मेरे घर से अप्रोक्सीमेटली 150 किलोमीटर दूर है, तो फिर हम लोग सोचे कि ऑनलाइन ही कर देंगे, वहाँ जाने से क्या फ़ायदा ट्रेवल करके। तो उससे एक नुकसान ये हुआ कि पहले दिन या जो फर्स्ट 25,000 बुकिंग थी उसमें हम कर नहीं पाए। सो गाइस, बुकिंग डिटेल्स तो आप देख ही चुके हैं, बुकिंग हो चुकी है। चलिए अब थोड़ी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते हैं और इसके फीचर, इसकी प्राइस वगैरह थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको इसकी एस्टिमेट डिलीवरी डेट दिखाऊंगा। डिलीवरी डेट दिखाना लास्ट में दिखा रहा हूँ। सो गाइस, बने रहिए लास्ट तक वीडियो में। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट 37 मिनट में ही 25,000 बुकिंग हो गई थी। ये इतनी जबरदस्त कार थी कि क्राउड इतनी तेजी से आया ना इसको बुक करने के लिए। और 2 वीक में इसकी 65,000 बुकिंग हो चुकी थी। और पेट्रोल के लिए इन्होंने अक्टूबर लास्ट से डिलीवर करना स्टार्ट किया है, और डीजल के लिए शायद मिड ऑफ नवम्बर से ये लोग डिलीवर करना स्टार्ट कर चुके हैं। और एक चीज और दिखाता हूँ आपको। यस, तो बात करें एक स्वाइप की पेट्रोल नहीं डीजल वेरिएंट की विद मैनुअल और 7 सीटर की प्राइस। अभी यहाँ पे ये यह पेट्रोल है, चलिए सेलेक्ट करते हैं X5 डीजल 7 सीटर और मैनुअल। तो ये अराउंड यस X5 पेट्रोल है, ये X5 डीजल 7 सीटर मैनुअल। ये तो 17 पॉइंट समथिंग दिखा रहा है। तो देखते हैं जब डिलीवर होगी उसी टाइम पता चलेगा कि एग्जैक्टली इसकी अमाउंट कितनी क्या पड़ेगी। शायद 2-2.5 लाख एक्स्ट्रा लग जाए। सेफ्टी का अभी इसको 57.69 स्कोर मिला है आउट ऑफ 66, जो कि सबसे बेस्ट है। महिंद्रा सेफ्टी के मामले में तो महिंद्रा का कोई कोई तोड़ नहीं तो है। गाइज, अब फाइनली मैं आपको दिखाता हूँ एस्टिमेट डिलीवरी मंथ जो महिंद्रा वालों ने मुझे मेल सेंड करके बताया है, उसके बारे में अभी हम देखते हैं। तो एक्साइटेड मैं तो हूँ ही, मुझे तो ऑलरेडी पता है। अब आप देख लो, मैं मेल जो आया उसको ओपन करके दिखाता हूँ। तो इन्होंने मेरे इस ऑर्डर के बारे में डिटेल मेल भेजा है महिंद्रा एंड महिंद्रा का इन्होंने। तो देखे ना, तो योर एक्सयूवी इज वन स्टॉप योर एक्सयूवी इज वन स्टेप क्लोजर टू यू। तो यस, सो दे हैव गिवन मी दिस डेट लाइक एंड वी आर हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट योर एस्टिमेट डिलीवरी मंथ इज मई। सो दे हैव गिवन मी मई मंथ फॉर द डिलीवरी। सो आई एम गोइंग टू गेट XUV700 ऑन लाइक मंथ ऑफ मई, मई में मुझे मिल जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि इसकी एस्टिमेट डिलीवरी मंथ मुझे मई मिला है, तो थोड़ा वेट करना डिफिकल्ट हो रहा है, बट क्या करें, करना ही पड़ेगा। उससे पहले तो मिलने वाली है नहीं। ये थी मेरी फर्स्ट कार की बुकिंग और डिलीवरी मंथ एंड ऑल, और कार XUV700 AX5 7 सीटर डीजल। सो गाइज, आज के लिए फिलहाल इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया कुछ अलग स्पेशल लेके आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।